नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम हमजा अस्थानवी। इस कार्यक्रम को शुरू करने से पहले मैं आपसे अपील करता हूं कि अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले। आप कहीं भी देख रहे हैं, फेसबुक या और भी कहीं, तो लाइक और शेयर ज़रूर करें, आपका यही योगदान होगा। चलिए अब खबर की ओर हम चलते हैं। अस्थावा थाना क्षेत्र के अस्थावा गांव में 4 दिन पूर्व एक युवक का अपहरण हो गया था। उसी अपहरण युवक की बरामदी को मांग को लेकर आज सोवा पुल पर सड़क जाम कर दिया गया, जिसके आगमन बाधित हो गया। बताया जाता है कि करीब 4 दिन पहले कल्लू यादव की 25 वर्ष के पुत्र मधु यादव सुबह सुबह घर से निकला था, जो अभी तक घर नहीं लौटा। अपहरण की सूचना अस्थावा थाना पुलिस को दे दी गई थी, परंतु अभी तक किसी भी प्रकार की कार्रवाई नहीं, अपराधियों पकड़े जाने की पुलिस की द्वारा नहीं की गई है। इसी मांग को लेकर अस्थावा गांव के लोगों ने सोवा पुल को पूरी तरह से जाम कर दिया है, जिससे गाड़ियों का आगमन बाधित हो गया। जाम कर रहे लोगों ने पुलिस के खिलाफ नारेबाजी लगाते रहे थे तथा जल्द से जल्द अपहरण युवक को बरामद करने की मांग कर रहे हैं। लोगों का इससे भी गुस्सा दिख रहा था कि 4 दिन बीत जाने के बावजूद भी पुलिस का कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। पुलिस की सुस्ती के कारण अपराधियों का मनोबल बढ़ता जा रहा है। इसी प्रकार की आने वाली हर छोटी बड़ी ताजा खबरों को पाने के लिए हमारे YouTube चैनल बिहार टीवी को सब्सक्राइब करें और तुरंत नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।